unacademy let's track it नमस्कार दोस्तों तो तो पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है मेरा नाम है निधि दोस्तों तो इलोन मस्क ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है उनके अनुसार टेस्ला भारत में दो बिलियन डॉलर तक का निवेश कर सकती है जहां टेस्ला के लिए ये जो ग्लोबल एक्सपेंशन स्ट्रेटजी है उसके तहत ऐसा डिसीजन लिया जा रहा है वहीं अगर भारत के परिपेक्ष में बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी का जो एक विजन है एक विजन है To, increase electric vehicles, to move इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या cleaner air, clean fuel, उसके परिप्रक्ष में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आइए जानते हैं क्या ये decision लिया गया है exactly क्या इसमें कहा गया है और क्या सीधे सीधे कह दिया गया है कि दो बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा टेस्ला के द्वारा तो यहां मैं बता दू अकॉर्डिंग टू द न्यूज एक कैच है देर इज condition जो टेस्ला ने है बिफोर कमिंग एंड इन्वेस्टिंग टू बिलियन डॉलर इन इंडिया फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्या है है कंडीशन जान लेते हैं तो टेस्ला फिलहाल विलिंग टू इन्वेस्ट अप टू अपू बिलियन डॉलर टूटेब्लिश अ लोकल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया लेकिन यहां पर कंडीशन ये रखी गई है कि वो चाहते हैं कि सरकार उनको कंसेशनल चार्ज दे ग्रांट दे कंसेशनल चार्ज ऑफ 15 परसेंट मतलब जहां एक तरफ इंपोर्टेड ऑटोमोबाइल्स पे भारत में काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है वहां वहीं टेस्ला चाहती है कि उनको 15 परसेंट पर अलाउ किया जाए अमेरिकन ऑटोमोबाइल मेजर ये ऐसा करेगा पहले दो सालों के लिए जब इसके ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे भारत में ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है टेस्ला के बारे में जान लेते हैं तो टेस्ला आई जो है ये अमेरिकन मल्टी ऑटोमोटिव ऑटोमोटिव एंड क्लीन एनर्जी कंपनी है ये एक पब्लिक ओनरशिप है पब्लिक कंपनी है लेकिन इसमें सबसे ज्यादा शेयर होल्डर जो है शेयर जो जिसके पास है वो है एलॉन मस्क के पास इसी वजह से वो इसके सीईओ भी हैं ठीक है इसका हेडक्वार्टर ऑस्टिन टेक्स में है और ये डिजाइन करती है मैन्युफैक्चर करती है इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टेशनरी बैटरी एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस फॉर होम एंड ग्रिड स्केल सोलर पैनल्स सोलर शिंगल्स एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज तो बेसिकली क्लीन एनर्जी की तरफ इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है क्लीन एनर्जी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो ये मैन्युफैक्चर करते हैं सर्विस करते हैं चलिए इसके बारे में और ज्यादा बात करेंगे बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है विच यू कैन सी सीट हर ये मेरा टेलीग्राम चैनल जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोस्तों मेरी सभी क्लास की अपडेट शेड्यूल्स पीडीएफ्स के लिए इसके अलावा अपने किसी भी डाउट क्वेरी कंफ्यूजन के लिए भी आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं मेरा कोड है एनडी लाइव टेन इस कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं इफ यू वॉन्ट टू अवेल ऑफलाइन सब्सक्रिप्शन ऑन द प्लेटफॉर्म टू गेट डिस्काउंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दिया है जो कि आप फिल कर सकते हैं एजुकेटर कोड वहां पर आप यूज कर सकते हैं एनडी लाइफ गिवन है, है so you प्रयागराज में शुरू करने वाला है यहाँ पर आप आई की जर्नी शुरू कर सकते हैं अन अकेडमी के साथ अपनी एडमिशन ओपन है फॉर जीएस फाउंडेशन बैच ट्वेंटी सिक्स क्लासेस पंद्रह दिसंबर से शुरू हो जाएंगी एनरोल आपको करना होगा बिफोर थर्टी एथ नवंबर अर्ली बर्ड ऑफर की बात करूं तो पहले 100 बच्चों को 40 परसेंट फीस में यहाँ डिस्काउंट मिलेगा कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए आप सेंटर पर भी जा सकते हैं या फिर आप इस फोन नंबर पर भी कनेक्ट कर सकते हैं अपने डाउट क्वेरीज को रिजोल्व करने के लिए इसी के साथ अन अकेडमी के जो ऑफलाइन सेंटर्स डेली में है दिस uh, विच इज करोलबाग एंड मुखर्जी नगर आप यहाँ पर भी जा सकते हैं यहाँ पर भी अगर आप दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में तो यहाँ पर भी जाकर आप एनरोल कर सकते हैं एनरोल करने के लिए अगेन आपको यूज करना है मेरा कोड एनडी लाइव टेन और अगर आप मेरा कोड यूज कर सकते करते हैं तो आपको थर्टी फाइव परसेंट तक का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा तीस नवंबर से पहले अगर आप एनरोल करते हैं बैचेस यहाँ पर तीस नवंबर से शुरू हो रहे हैं पच्चीस छब्बीस के लिए चलिए एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टेस्ला ने अप्रोच किया है हमारी सरकार को एक डिटेल प्रपोजल के साथ इसमें बताया गया है कि, कि किस तरह का इन्वेस्टमेंट किस क्वांटम uh, का इन्वेस्टमेंट टेस्ला करना चाहती है भारत में विद द नंबर ऑफ कार्स इट कैन इम्पोर्ट विथ लोअर ड्यूटी मतलब अगर ड्यूटी कम की जाएगी तो कितनी वो कार्स यहाँ पर इम्पोर्ट कर सकते हैं रिपोर्ट में कहा गया कि टेस्ला अभी इज विलिंग टू तो इन्वेस्ट 500 मिलियन डॉलर अगर टैरिफ टैरिफ जो है वो एक्सटेंड किया जाता है अपटू ट्वेल्व 12,000 कार्स मतलब 12,000 हजार गाड़ियों पर अगर टेरिफ कम किया जाता है और यदि तीस हजार व्हीकल्स पर ये टेरिफ कम किया जाता है तो टेस्ला दो बिलियन डॉलर तक भी भारत में इन्वेस्ट कर सकती है इन द यहाँ पर सेंटर ने आ, सेंटर एक अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि वो पुश करेगा कंसेशनल टैरिफ को टेस्ला के दस हजार यूनिट्स के लिए मतलब तो वो बारह हजार और तीस हजार हमारी तरफ से जो उनको प्रपोजल जाएगा प्रॉबेबली वो दस हजार यूनिट्स के लिए होगा कि दस हजार यूनिट्स उनको कंसेशनल टैरिफ देना होगा उसके बाद पहले साल में और उसके बाद बीस परसेंट इन द नेक्स्ट ईयर अभी फिलहाल अगर मैं आपको बता दूं तो जो टैरिफ पॉलिसी है हमारी यहाँ पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है तो भारत फिलहाल सौ प्रतिशत तक की इम्पोर्ट ड्यूटी लगाता है उन गाड़ियों पर जिस जिसमें बेसिकली गाड़ी का कॉस्ट इंश्योरेंस या जो फ्रेट वैल्यू है वो चालीस हजार डॉलर की होती है तो ऐसी गाड़ियां जो लग्जरी गाड़ियां हैं तो थोड़ी महंगी गाड़ियां होती हैं उन पर हंड्रेड परसेंट का टैरिफ हमारे यहाँ इंपोर्ट ड्यूटी लगती है वहीं जो थोड़े सस्ती गाड़ियां होती हैं उन पर इंपोर्ट ड्यूटी सेवेंटी तक की लगाई जाती है यहाँ पर टेस्ला मांग रहा है पंद्रह अगेंटी परसेंट एंड हंड्रेड परसेंट तो अभी प्रपोजल है, है प्रोस्पेक्ट देखे जाएंगे फाइनल डिसीजन शायद आने वाले कुछ समय में होगा होगा पर जो भी इट इज गोइंग टू बी अ बूस्ट फॉर द इंडियन नॉट जस्ट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मेक इन इंडिया बट ऑल्सो इट विल जनरेट अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर यहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनती हैं तो काफी ज्यादा बेहतर ये अपॉर्चुनिटी होगी नॉट ओनली फॉर टेस्ला जो कि अपना ग्लोबल एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं उनकी स्ट्रैटेजी है ग्लोबल एक्सपेंशन की बट ऑल्सो फॉर इंडिया फॉर दैट मैटर नॉ टेस्ला की जो अभी चल लग रहा है जो एप्रीहेंशन है वो जो प्लान कर रहे हैं वो प्लान कर रहे हैं अपने तीन मॉडल्स को भारत लाने की विच इज मॉडल थ्री मॉडल वाई एंड अ न्यू हैचबैक मॉडल थ्री और मॉडल वाई जो है इनका जो प्राइस होगा जैसे मॉडल थ्री का अड़तीस लाख प्लान किया जा रहा है मॉडल वाई का तिरालीस लाख अगर ये कंसेशन इनको दिया जाएगा तो अगर ये कंसेशन ग्रांट किया जा रहा है मतलब पंद्रह परसेंट की इम्पोर्ट ड्यूटी पर इनको अलाउ किया जाएगा तो ये प्राइस होगा ज्यादा पर होगा तो ऑफकोर्स पता नहीं उसका डील का क्या होगा वो देखना पड़ेगा हमें वही जो हैचबैक टेस्ला लेकर आ रहा है उसकी जो प्राइसिंग है इट इज एक्सपेक्टेड टू बी एट ट्वेंटी पॉइंट सेवन फाइव लैख ठीक है नाउ जो अनाउंसमेंट है टेस्ला का टेस्ला के इन्वेस्टमेंट का कि टेस्ला इन्वेस्ट करेगी भारत में ये हो सकता है ये अनाउंसमेंट हो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में जनवरी में जो कि 10 से 12 जनवरी तो गुजरात में होने वाला है अगर हम फैक्ट्री लोकेशन की बात करें तो टेस्ला ने वो भी आइडेंटिफाई किया है और टेस्ला कंसिडर कर रही है गुजरात महाराष्ट्र तमिलनाडु को क्योंकि यहां पर ऑलरेडी हम ये कह सकते हैं कि एक वेल well है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए और एक्सपोर्ट्स के लिए तो इस वजह से ये तीन राज्यों को यहां पर कंसिडर किया जा रहा है टेस्ला के द्वारा चलिए अब एक अग्रीमेंट के तहत अगर देखा जाए एज अ पार्ट ऑफ दिस अग्रीमेंट टेस्ला से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो कमिट करेगी अपना इनिशियल मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ अप्रॉक्सिमेटली टू बिलियन डॉलर फॉर दी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तो इतना इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट किया जा रहा है एज अ पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट अगर सब कुछ ठीक हो जाता है तो दो बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट की तरफ से भारत में होने ही वाला है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एडिशनली इसके अलावा और क्या चांसेज हैं क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एडिशनली कंपनी का उद्देश्य है कि वो अपनी परचेजेस को भी ऑटो पार्ट की जो परचेज है भारत से उसको भी इंक्रीज करेगी और उसको इंक्रीज किया जा सकता है पोटेंशियल रीचिंग अप टू फिफ्टीन बिलियन डॉलर तो मतलब इट इज़ नॉट जस्ट द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या मैन्युफैक्चरिंग प्लान डर दिया प्लानिंग बल्कि जो भारत से जो उनका जो ऑटो पार्ट परचेजिंग है उसको भी वो बढ़ाएंगे तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडिया विद रिस्पेक्ट टू इंडियन इकोनमी एंड ऑब्वियसली जॉब्स क्रिएशन मेक इन इंडिया को एक बूस्ट यहाँ से मिल सकता है ये हम कह सकते हैं नाउ कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए टेस्ला का टेस्ला ये भी सोच रही है एक्सप्लोर कर रही है पॉसिबिलिटी को कि वो बैटरीज को मैन्युफैक्चर करना शुरू करे भारत में तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ देखने को मिल रहा है अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है और हो सकता है बाय द टाइम देर इज अ फाइनल डिसीजन तो कुछ चेंजेस भी यहाँ पर आए लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये पता है कि जो डील है ये रिप्रेजेंट कर रही है एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट टेस्लाज एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी मैंने आपको शुरुआत में बताया था इलॉन मस्क ऑन अदर हैंड जो सीईओ है टेस्ला के उन्होंने पहले भी अपनी ये एक तरह से एक्सप्रेस uh, की है अपना ये इंटेंट और कंपनी का इंटेंट कि वो एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट भारत में करना चाहते हैं विद द विद्लान टू विजिट द कंट्री इन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर दो हजार चौबीस में ये आने वाले हैं नो बेनिफिट्स क्या है बेनिफिट्स के बारे में मैंने आपसे शुरुआत में भी डिस्कस किया था वो भी शेयर किया था लेकिन मैं फिर से बताती हूँ कि टेस्ला uh, का जो इंटेंट है टू एंटर इंडियन मार्केट वो बेसिकली टेस्ला की ग्लोबल स्ट्रैटेजी से अलाइन करता है और अगर हम भारत की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो सरकार के द्वारा जो एक स्ट्रैटेजी है या जो एक उद्देश्य है एम है वो ये है कि बूस्ट किया जाए डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को इलेक्ट्रिक व्हीकल की और कहीं ना कहीं इससे क्या फायदा होगा जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग भारत में बढ़ेगी भारत में ही उनकी मैन्युफैक्चरिंग होगी तो कॉस्ट पे इफेक्ट आएगा प्लस हम कहीं ना कहीं एक क्लीनर ट्रांसपोर्टेशन की तरफ बढ़ेंगे हम अडॉप्ट कर सकते हैं एज ऑफ नाउ अगर मैं आपसे बात करूं कितने भी एफर्ट पिछले कुछ सालों से लगाए जा रहे हैं भारत की तरफ से सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस कर रही है भारत में अभी भी और अगर हम एक एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल्स की बात करें परसेंटेज ऑफ व्हीकल्स की बात करें तो केवल वन पॉइंट थ्री परसेंट ऑफ टोटल पैसेंजर व्हीकल्स ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं जो सोल्ड हुए हैं भारत में लास्ट ईयर तो ये काफी निराशाजनक आंकड़े हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के स में अगर भारत के परिपेक्ष में हम बात करें तो अगर टेस्ला यहाँ पर अपना ये प्लांट लेकर आते हैं मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर शुरू करते हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल्स पर एक डेफिनेट इंक्रीमेंट एक इंक्रीज या बूस्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा तो ये भारत के लिए तो बहुत ही अच्छी एक मैं कह सकती हूं अपॉर्चुनिटी है अगर यहाँ पर टेस्ला इन्वेस्ट करता है तो आपका इसके बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों

Guide you in your journey for UPS. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye. Unacademy. Let's crack it.